एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कोरोना से संक्रमण के खतरे के बीच सेना ने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि पराक्रम में भी हम विजयी निकले हैं और नमस्ते में भी हम विजयी होंगे। और अब इस वक्त सीधे रुक करते हैं अरविंद केजरीवाल। वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था, वो समय समय पर उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं, और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं, वहां पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लोगों में फैला है। लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, एक दिन में 3-4 केस बढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पे, कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा, लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिति है, यहां तक कि अमरीका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम, इंग्लैंड में भी, यूके में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम, अगर स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोरोना के केस आने बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई थी, 5 डॉक्टर्स की टीम। उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है, उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है, सारी तैयारियों का प्लान बना के कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। इसको उन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है। एक है कि अगर डेली 100 तक केस कोरोना के आते हैं, हर रोज 100 नए केस, अगर 100 से कम 100 नए केस कोरोना के आते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। दूसरी स्टेज, अगर 500 तक केस बढ़ जाते हैं रोज, 500 रोज केस आना शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। और तीसरा कि अगर 1000 केस रोज आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव, रोज 1000 पेशेंट कोरोना के आना चालू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। अभी 100 तक केस अगर कोरोना के डेली आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी दिन 3 आ रहे हैं, किसी दिन 4 आ रहे हैं, अगर ये बढ़ के 100 पर डे भी हो जाते हैं तो आज हमारे पास जो व्यवस्था है, आज हम जिस स्थिति में हैं वो काफी है। इसको हमने 4-5 चीजों में देखा है कि हमारे पास आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी, अगर 100 केस होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी, 500 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी, 1000 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, वेंटिलेटर्स, कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर 100 केस होते हैं तो कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, 500 होते हैं तो कितने की पड़ेगी, 1000 होते हैं तो कितने की पड़ेगी, कितने आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी, हर स्टेज पे कितने कितने आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी टेस्टिंग क्षमता की जरूरत पड़ेगी, कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं, अगर 100 बेड 100 पेशेंट डेली आ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पे हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे, दूसरों के, सस्पेक्ट्स के, फैले वालों के, कॉन्टैक्ट्स के, कितने टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, 500 केस आते हैं तो कितने टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और एम्बुलेंसेज की कितनी जरूरत पड़ेगी, 100 केस में कितने एम्बुलेंसेज, 500 में कितने एम्बुलेंसेज, 1000 में कितने एम्बुलेंसेज, कितने डॉक्टर्स नर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्टर्स नर्सेज कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, इस सब की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग इन सब ने इस डॉक्टर्स की टीम ने की है। तो 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमारी तैयारी है, 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है, ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहां यहां से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहां यहां से आएंगी, तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई, 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है, 500 पे बढ़ने हमें पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी है, उस पे बढ़ने पे अब जो जो कमियां हमें नजर आ रही हैं,
कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारे मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहां जहां हमें कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं, उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए, मुझे उम्मीद है स्थिति नहीं आनी चाहिए। आज जो हम 4 पेशेंट 5 पेशेंट भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। उसी स्थिति ये लॉकडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें तैयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। दूसरा है जो बहुत गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रैन बसेरों में खाना खिला रहे थे। हमारे 224 रैन बसेरे चल रहे थे अभी तक, लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पड़ते जा रहे थे, डेली संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। 224 रैन बसेरे भी कम पड़ रहे थे, और कई जगह से खबर आ रही थी कि यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूखे हैं, यहाँ पे खाना नहीं है। तो इसको हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर आज से हम बढ़ा रहे हैं। हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतज़ाम किया है। 325 हर स्कूल में कम से कम 500-500 लोगों के खाने का इंतज़ाम, दोनों टाइम 500-500 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे थे उन रैन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है। तो आज से, अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़ के लगभग 2,00,000, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं, 2,00,000 लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे, और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4,00,000 लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे, और इसको भी हम जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर चल के ना आना पड़े। मैंने अपने सभी MLAs को बोला है कि सभी MLAs की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके इंश्योर करें। सरकार तो अपनी व्यवस्था कर ही रही है, समाज को, जैसे मैंने बार बार कहा, समाज को भी सामने आना पड़ेगा। समाज के साथ मिलके कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोने पाए। जहां जहां और व्यवस्था करने की जरूरत है, खाने की व्यवस्था करें, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दें और कोरोना वहीं से फैलना चालू हो जाए, ये लॉकडाउन सारा बेकार हो जाएगा। अगर हमने ये सेंटर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की और यहाँ पे अगर कोरोना फैलना चालू हो गया, तो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मैं अभी देख रहा था जो हमारे रैन बसेरे हैं वहाँ पे मीडिया के लोग भी गए थे, वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम चल रहा है, वहाँ पे सोशल दूर दूर बिठा के लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, मास्क वास्क पहन के सब अच्छे से कर रहे हैं। कई सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आई हैं, इस्कॉन वाले बहुत मदद कर रहे हैं, राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं, गुरुद्वारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं, वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और खुद भी काफ़ी चला रहे हैं। और भी मैं किसी का अगर नाम लेना भूल गया हूं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत सारे और लोग बहुत मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन दिनों में, पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के भी सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे। उधर ममता दीदी भी कह रही थी, वो कह रहे थे जी झारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रखिए। ममता दीदी कह रही थी बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं, यूपी वाले भी, बिहार वाले, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सीमाओं के अंदर जो जो व्यक्ति रह रहे हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी हमारी है, वो सब हमारे हैं। वो झारखंड के हो सकते हैं, चाहे बिहार के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे तमिलनाडु के हो सकते हैं, चाहे केरला के हो सकते हैं, कहीं के हों, वो हैं दिल्ली के, वो अब हमारे साथ हैं, वो हमारे हैं अब, उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो एक एक व्यक्ति को हम ख्याल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। एक दो दिन में कुछ जगह दिक्कतें आई थी, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी, अब इसको हम बहुत
बड़े स्तर के ऊपर बढ़ा रहे हैं, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे। और सभी राज्यों के, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है, और पूरे देश से लोग आ के यहाँ पे रहते हैं। मैं देश के सभी अन्य राज्यों को, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको हम किसी कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, ये समय बहुत कठिन समय है, सबको तकलीफें हो रही हैं, सब तकलीफों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि सबको कम से कम तकलीफ हो। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि दिल्ली में डॉक्टर शानदार काम कर रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। उन्होंने ये भी बताया कि कल से हर दिन 4 लाख लोगों के खाने का इंतजाम सरकार कर रही है। दिल्ली में कोई भी है अगर तो वो भूखा नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल जो तैयारियों को लेकर जानकारी दे रहे थे, कई सामाजिक संस्थाएं इस काम में जुटी हुई है। दिल्ली में रहने वाले किसी भी राज्य के लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने बताया कि कैसे तैयारियों को 3 चरणों में बांट दिया गया है और हर लेवल पर काम हो रहा है। ये केस अगर बढ़ते हैं तो भी दिल्ली सरकार पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। अगर स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई थी, 5 डॉक्टर्स की टीम। डॉक्टर सरीन जो कि ILBS के हेड हैं, उनके अध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है, सारी तैयारियों का प्लान बना के कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। डेली 100 तक केस कोरोना के आते हैं, हर रोज 100 नए केस, अगर 100 से कम 100 नए केस कोरोना के आते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। दूसरी स्टेज, अगर 500 तक केस बढ़ जाते हैं, रोज 500 रोज केस आना शुरू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। और तीसरा कि अगर 1000 केस रोज आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव, रोज 1000 पेशेंट कोरोना के आना चालू हो जाते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है। इन दिनों में, पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के भी सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे। उधर ममता दीदी भी कह रही थी, वो कह रहे थे जी झारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रखिए। ममता दीदी कह रही थी बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं, यूपी वाले भी, बिहार वाले। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सीमाओं के अंदर जो जो व्यक्ति रह रहे हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी हमारी है, वो सब हमारे हैं। वो झारखंड के हो सकते हैं, चाहे बिहार के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे तमिलनाडु के हो सकते हैं, चाहे केरला के हो सकते हैं, कहीं के हों, वो हैं दिल्ली के, वो अब हमारे हमारे साथ हैं, वो हमारे हैं, अब उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो एक 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 व्यक्ति को हम ख्याल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में कुछ जगह दिक्कतें आई थी, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी, अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ा रहे हैं, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे।